गाइस, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं विटामिन्स की। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे विटामिन्स होते क्या हैं, उनके सोर्सेज को पढ़ेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीजेज होती हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग विटामिन्स की डेफिनेशन को देखते हैं। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिक्वायर्ड इन द डाइट इन स्मॉल अमाउंट्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन फॉर नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड विटामिन्स। Vitamins are designated by alphabets A, B, C, D, etc. Some of them are further named as subgroups like B1, B2, B6, B12, etc. Excess of vitamins is also harmful and vitamin pills should not be taken without the advice of a doctor. अब हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ विटामिन्स। द डिस्कवरी ऑफ विटामिन्स वॉज अ मेजर साइंटिफिक अचीवमेंट इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्थ एंड डिजीज। इन 1912 कैसिमीर फंक ओरिजिनली कॉइन्ड द टर्म विटामिन। सो कैसिमीर फंक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1912 में टर्म विटामिन कॉइन किया, जो दो वर्ड से मिलकर बना था, वाइटल प्लस अमीन। अमीन वर्ड उन्होंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि उनको पहले लगा था कि इसमें अमीनो ग्रुप होता है, बट द लेटर वर्क शोड दैट द मोस्ट ऑफ देम डिड नॉट कंटेन द अमीनो ग्रुप। सो द लेटर ई वॉज ड्रॉप्ड एंड द टर्म विटामिन इज यूज इन दीज डेज। अब आइए हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन देखते हैं। डिपेंडिंग अपॉन दर सॉलिबिलिटी इन वाटर और फैट, विटामिन्स आर क्लासीफाइड इन टू टू ग्रुप्स, फैट सॉलिबल विटामिन्स एंड वाटर सॉलिबल विटामिन्स। सो आइए अब फैट सॉलिबल विटामिन देखते हैं। द विटामिन्स विच आर सॉलिबल इन फैट एंड ऑयल्स बट इनसॉलिबल इन वाटर आर केप्ट अंडर दिस ग्रुप। दे आर स्टोर्ड इन लिवर and adipose, that is fat storing tissues. It include vitamin A, vitamin D, vitamin E and vitamin K. आप इसको अडेक के फॉर्म में याद कर सकते हैं। सो अडेक हो जाएगा फैट सॉल्यूबल विटामिन्स। आइए अब आगे चलते हैं और देखते हैं वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स। द विटामिन्स विच आर सॉल्यूबल इन वाटर are grouped under this category. These must be supplied regularly in diet because they are readily excreted in urine and cannot be stored in the body except vitamin B12. So water soluble vitamins mein vitamin B complex and vitamin C aate hain. To aaiye ab hum shuru karte hain sabse pehle vitamin A se. Vitamin A is also known as retinol. Vitamin A is a fat-soluble vitamin that is present in many foods. It is important for normal vision, immune system and reproduction. Vitamin A also helps the heart, lungs, kidney and other organs work properly. So vitamin A hamare immune system ke liye bahut zyada important hai and it is also important for the proper functioning of the eyes. Aaiye ab chalte hain aage aur dekhenge hum ki vitamin A kaun kaun se sources se milta hai. So sabse pehla source फिश लीवर ऑयल है, कैरेट्स, बटर, मिल्क, पपाया, मैंगो एंड मैनी मोर। अब हम देखते हैं कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीजेज होती हैं। सो पहले डिजीज है ज़ीरोफ्थैल्मिया। ज़ीरोफ्थैल्मिया इज अ मेडिकल कंडीशन इन विच द आई फेल्स टू प्रोड्यूस टीयर्स। देयर इज अ हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ द आई। सो ज़ीरोफ्थैल्मिया में जो कॉर्निया होता है वो सूख जाता है और हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से देखने में दिक्कत होती है। विटामिन ए की कमी से दूसरी डिजीज़ है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस ऑल्सो नोन एज निक्टलोपिया इज अ कंडीशन विच मीन्स योर आइज आर अनएबल टू अडेप्ट टू लो लाइट कंडीशन। इसमें इंसान को अंधेरे में या रात में कम दिखता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी तरीके से अंधा होता है, बस विजन इम्पेयरमेंट की वजह से वो अंधेरे में देखने को सक्षम नहीं होता है। चलते हैं आगे और देखते हैं अगला विटामिन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ एंड वेलबींग। एज अ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ हेल्दी बॉडी, बी विटामिन्स हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन योर एनर्जी लेवल्स, ब्रेन फंक्शनिंग एंड सेल मेटाबॉलिज्म। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हेल्प टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस एंड हेल्प टू सपोर्ट एंड प्रमोट द सेल हेल्थ। सो विटामिन बी हमारे एनर्जी लेवल में,
ब्रेन की फंक्शनिंग में और सेल के मेटाबॉलिज्म में बहुत अहम भूमिका निभाता है। इसलिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जो सब ग्रुप्स हैं जिसमें विटामिन बी वन थियामिन, बी टू राइबोफ्लेविन, बी थ्री नियासिन, बी फाइव पेंटोथेनिक एसिड, बी सिक्स पेरिडॉक्सिन, बी सेवन बायोटिन, बी नाइन फोलेट और फॉलिक एसिड, बी ट्वेल्व कोबालामिन, ये सारे ही वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं अलॉन्ग विथ विटामिन सी। सो आइए देखते हैं सबसे पहला विटामिन बी जो है विटामिन बी वन दैट इज थियामिन। ये सबसे पहले देखते हैं विटामिन बी वन का सोर्स। सो विटामिन बी वन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोथ प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक ईस्ट, मीट, फिश, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड सीरियल्स। इसके बाद अब हम देखेंगे विटामिन बी वन की डेफिशिएंसी डिजीज। सो विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी डिजीज़ होती है। बेरी बेरी इज़ यूजुअली कॉज्ड बाय पुअर डाइट और अल्कोहलिज्म। इसके सिम्टम्स लॉस ऑफ एपिटाइट, रिटार्डेड ग्रोथ, वीकनेस, पेन एंड स्वेलिंग इन द लेग्स। इसके अलावा फूड ड्रॉप, इनएबिलिटी टू स्पीक, रिस्ट ड्रॉप, कन्फ्यूजन और बहुत सी सिम्टम्स देखे जाते हैं। नाउ वी विल सी विटामिन बी टू। विटामिन बी टू इज ऑल्सो नोन एज राइबोफ्लेविन। इट इज़ यूज एज अ डाइटरी सप्लीमेंट एंड इट इज़ रिक्वायर्ड बाई द बॉडी फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। इट इज़ इन्वॉल्व इन मैनी प्रोसेस इन द बॉडी एंड इज़ नेसेसरी फॉर नॉर्मल सेल ग्रोथ एंड फंक्शन। आइए अब विटामिन बी टू के सोर्सेज की बात कर लेते हैं। विटामिन बी टू इज ऑब्टेन फ्रॉम मिल्क, एग वाइट, लीवर, किडनी, मीट, मशरूम्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, आलमंड्स एंड मैनी मोर। नाउ वी विल सी द डेफिशिएंसी डिजीजेस ऑफ विटामिन बी टू। चिलोसिस। चिलोसिस इज द फिशरिंग एट द कॉर्नर्स ऑफ माउथ एंड लिप। देयर आर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स एंड बर्निंग सेंसेशन ऑन द स्किन। आइए अब देखते हैं अगला विटामिन जिसका नाम है विटामिन बी सिक्स। विटामिन बी सिक्स ऑल्सो नोन एज पायरिडॉक्सिन। द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दिस एसेंशियल विटामिन फैमिली आर नेसेसरी फॉर वाइटल फंक्शंस थ्रू आउट योर बॉडी। दीज फंक्शंस इंक्लूड रिड्यूसिंग स्ट्रेस एज वेल एज मेंटेनिंग ओवरऑल गुड हेल्थ। विटामिन बी सिक्स हेल्प प्रोड्यूस हीमोग्लोबिन, द प्रोटीन दैट कैरीज ऑक्सीजन थ्रू आउट द ब्लड। आइए अब बात करते हैं विटामिन बी सिक्स के सोर्सेज की। विटामिन बी सिक्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ईस्ट, मिल्क, एग योक, सीरियल्स, ग्राम्स एंड मैनी मोर। नाउ वी विल सी द डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ विटामिन बी सिक्स। कन्वल्जन्स। अ कन्वल्जन इज अ मेडिकल कंडीशन वेयर बॉडी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रैपिडली एंड रिपीटेडली रिजल्टिंग इन अनकंट्रोल्ड शेकिंग। Because epileptic seizures typically include convulsions, the term convulsion is sometimes used as a synonym for seizure. आम तौर पे इसको मिर्गी का दौरा पड़ना कहते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं विटामिन बी ट्वेल्व की। विटामिन बी ट्वेल्व ऑल्सो नोन एज कोबालामिन इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म ऑफ एवरी सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। इट इज़ वन ऑफ द 8 बी विटामिन। इट इज़ अ कोफैक्टर इन डीएनए सिंथेसिस एंड इन बोथ फैटी एसिड एंड अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। आइए अब देख लेते हैं विटामिन बी ट्वेल्व के सोर्सेज। विटामिन बी ट्वेल्व इज मेनली ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक रेड मीट, फिश, एग, कर्ड, लीवर एंड मैनी मोर। आइए अब बात कर लेते हैं विटामिन बी ट्वेल्व की डेफिशिएंसी डिजीज की। विटामिन बी ट्वेल्व की डेफिशिएंसी से परनीशियस अनीमिया होता है इन विच द आरबीसी डेफिशिएंट इन हीमोग्लोबिन, अ डिक्रीज इन आरबीसीज व्हेन द बॉडी कांट एब्जॉर्ब इनफ विटामिन बी ट्वेल्व। आइए देखते हैं अगला विटामिन जो है विटामिन सी। विटामिन सी ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिपेयर ऑफ ऑल बॉडी टिश्यूज। इट इज इन्वॉल्व इन मैनी बॉडी फंक्शन इंक्लूडिंग फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन, एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम, वुड हीलिंग, मेंटेनेंस ऑफ कार्टिलेज, बोन्स एंड टीथ। विटामिन सी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपने देखा होगा कि कोविड 19 पेशेंट्स में भी विटामिन सी की वजह से इम्यून सिस्टम स्ट्रांग किया जा रहा है। आइए अब विटामिन सी के सोर्सेज की बात कर लेते हैं। विटामिन सी मेनली ऑब्टेन फ्रॉम सिट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन, ऑरेंज, आंवला, कीवी, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड मैनी मोर। आप सबको भी अपने
डाइट में विटामिन सी के सोर्सेज को ऐड करना चाहिए जिससे आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बनी रहे। आइए अब विटामिन सी से जुड़ी डेफिशिएंसी डिजीज देखते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नाम की डिजीज होती है। स्कर्वी रिजल्ट्स फ्रॉम सीवियर विटामिन सी डेफिशिएंसी। सिम्टम्स इंक्लूड ब्लीडिंग गम्स, टूथ लॉस, अनीमिया एंड रिड्यूस्ड रेट ऑफ हीलिंग ऑफ इंजरीज। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला विटामिन जो है विटामिन डी। विटामिन डी ऑल्सो नोन एज कैल्सिफेरॉल। विटामिन डी हैज सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शंस, परहैप्स द मोस्ट वाइटल आर रेगुलेटिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, फैसिलिटेटिंग नॉर्मल फंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम, नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ, एज वेल एज इम्प्रूव्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट द सर्टेन डिजीजेस। विटामिन डी समटाइम्स कॉल्ड अ सनशाइन विटामिन बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड इन योर स्किन इन रिस्पॉन्स टू सनलाइट। Now we will see the sources of vitamin D. Vitamin D can be obtained by exposure to sunlight, oily fishes like salmon, sardines, mackerel, egg yolk, liver and red meat, fortified foods and many more. आइए अब देखते हैं deficiency diseases due to vitamin D. पहली deficiency disease है rickets. Rickets is a softening and weakening of bones in children, usually due to inadequate vitamin D. Symptoms include delayed growth, bow legs, weakness and pain in the spine, pelvis and legs. So आप देख सकते हैं rickets आमतौर पर छोटे बच्चों में होता है जिसमें हाथ और पैर थोड़े कर्व टाइप के हो जाते हैं। इसमें ग्रोथ डिले हो जाती है और बोन्स स्पाइन और पेल्विस में काफ़ी पेन होता है। आइए देखते हैं अब अगला डिफिशेंसी डिजीज ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया रिफर्स टू अ मार्क्ड सॉफ्टनिंग ऑफ योर बोन्स, मोस्ट ऑफन कॉज्ड बाय सीवियर विटामिन डी डेफिशिएंसी। द सॉफ्टेंड बोन्स ऑफ यंग एडल्ट्स विद ऑस्टियोमलेशिया कैन लीड टू बोइंग ड्यूरिंग ग्रोथ, स्पेशली इन वेट बेरिंग बोन्स ऑफ लेग्स। इट ऑल्सो लीड्स टू फ्रैक्चर इन ओल्डर पीपल। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला विटामिन जो है विटामिन ई। विटामिन ई ऑल्सो नोन एज टोकोफेरॉल। Sources of vitamin E are vegetable oil, olive oil, sunflower oil, kiwi, papaya and many seeds. आइए चलते हैं आगे और देखते हैं deficiency disease. Vitamin E की कमी से increased fragility of RBCs, muscular weakness और ataxia नाम की बीमारी होती है। Ataxia एक impairment coordination होता है। It is a degenerative disease of nervous system. Many symptoms of ataxia mimic those being drunk, such as slurred speech, stumbling, falling, and incoordination. आइए चलते हैं आगे और देखते हैं अपना last vitamin जो है vitamin K. Vitamin K also known as phylloquinone. Vitamin K refers to structurally similar fat-soluble vitamins found in foods and marketed as dietary supplements. The human body requires vitamin K for post-synthesis modification of certain proteins that are required for blood coagulation or for controlling binding of calcium in bones and other tissues. आइए अब विटामिन के सोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं। विटामिन के इज मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच, ब्रोकली, कीवी, एवोकाडो एंड कैरेट जूस। Now we will see deficiency disease of vitamin K. Increased blood clotting time, vitamin K deficiency bleeding or VKDV, also known as hemorrhagic disease of the newborn, this can cause excessive bleeding and bruising and in severe cases can lead to fatal bleeding into the brain. Vitamin K ki kami se clotting nahi ho pati blood ki, jiski wajah se intense bleeding hoti hai, khas taur pe bachcho mein, जिसका पता भी नहीं लगता है कि अंदर कितनी ब्लीडिंग हो गई, जिसकी वजह से बच्चों की डेथ भी हो जाती है। सो आज के वीडियो में इतना ही। आगे हम और भी एनसीईआरटी के टॉपिक्स को उठाएंगे और उनको एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे।